हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल सिविल इंजीनियर्स। अभी हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का पार्ट देख रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने कल देखा था किस तरीके से हमने प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया के बारे में पढ़ा था, और उसके न्यूमेरिकल भी हमने छोटे छोटे सॉल्व किए थे, जिससे हम देख सकते हैं किस तरीके से हमको एस्टिमेट आगे चल के निकालना है। अब हम आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताने वाले हैं कि किस तरीके से आगे चल के हमको काम करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे, हमने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन का, प्रोजेक्ट का, और उसका हमको एस्टीमेट बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसके आइटम्स निकालते हैं कि कौन कौन से आइटम हमें यूज में लेने वाले हैं। जैसे हमने आपको उस दिन बताया था अर्थवर्क एंड एक्सकवेशन होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सकवेट करते हैं, खुदाई करते हैं, फिर कॉन्क्रीट एंड फाउंडेशन, फाउंडेशन में कॉन्क्रीटिंग करते हैं, फिर ब्रिक वर्क करते हैं, और नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, आइटम और आइटम की क्वांटिटी निकालनी होती है कि जो भी आइटम आप कर रहे हैं, जो भी काम आप करने वाले हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइटम देखेंगे कि हमारे पास आइटम होना चाहिए और आइटम की क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी हमारे पास होना चाहिए, मतलब कि आपके पास आइटम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोग किसी को घर में दावत देने वाले हैं, और उसके पहले आप क्या बना रहे हैं, एस्टीमेट बनाते हैं कि हमको कितना, मतलब कितना खाना हमको लगने वाला है, कितना हम खर्च करेंगे, कितना हमको पैसा लगेगा। सबसे पहले अपन ये देखते हैं ना कि भाई हमको छोले लगने हैं, छोले कितने चाहिए हमको, मान लो 2 केजी चाहिए, तो हम लिख देंगे छोले 2 केजी। दूध कितना लगना है हमको, दूध लिख देंगे मिल्क, वो कितना 5 लीटर, कहने वाली बात है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, आटा चाहिए, तो हमने क्या लिखा, फ्लोर, और फ्लोर कितना मुझे चाहिए, मान लो 10 केजी। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, आइटम लिखते हैं और फिर आइटम की क्वांटिटी लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने आइटम लिया कि जो भी आइटम हमारे पास है, वो आइटम की हमने क्वांटिटी ले ली। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि आइटम लेना है और आइटम की क्वांटिटी। वो आइटम क्या होते हैं, आइटम में आपको बताया था कोई भी आइटम आप ले सकते हैं। जैसे आप मान लो सीमेंट हमने लिया, क्या लिया, सीमेंट लिया हमने, हमने लिख दिया हमने सीमेंट लिया। सीमेंट हमको कितना चाहिए, मान लो हमको 50 बैग चाहिए, 100 बैग चाहिए, हमने लिख दिया 100 बैग लिख दिया। और क्या क्या चाहिए हमको, मान लीजिए हमको ब्रिक्स चाहिए है, तो ब्रिक्स कितना चाहिए हमको, ब्रिक्स हमको मान लो चाहिए है 5000 नंबर्स, 5000 नंबर्स में हमको ब्रिक्स चाहिए है। और क्या चाहिए है, मान लो हमको सेंड चाहिए है, हाँ सेंड हमको क्या चाहिए, किसमें, मीटर क्यूब में चाहिए है, तो कितना चाहिए, मान लो हमको 50 मीटर क्यूब चाहिए। कहने वाली बात है, कोई भी चीज है, तो हमने आइटम लिखा और आइटम की क्वांटिटी लिख दी कि क्या क्या आइटम हमको लगने वाला है और आइटम की क्वांटिटी क्या होने वाली है। अभी हमको इतना पता है, इसलिए हमने पहले भी थोड़ा सा देखा था। अब क्या होता है, आइटम हमको पता चल गया, क्वांटिटी पता चल गया, और हमको इसका एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनाना है कि किस तरीके से आप बता पाएंगे कि कितना पैसा आपका खर्च होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, यदि हम घर की बात करें तो हमारे पास कोई आइटम है, वो आइटम की क्वांटिटी बताए, तो हम क्या करते हैं, हम उसका रेट अपने मन में सोचते हैं, क्या करते हैं कि बाजार में दूध क्या भाव चल रहा है, ठीक है, तो मिल्क क्या भाव चल रहा है, तो उसका हमने क्या लिख दिया, रेट ले लिया, ठीक है। और इसके बाद मान लो क्या है, मेरे पास छोले, मैंने बताया था एग्जाम्पल दिया था, तो चने के कितने आपका रेट है, तो रेट हम पहले देखते हैं ना। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, SOR होता है, क्या होता है, SOR, शेड्यूल ऑफ रेट, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, मान लो इसका मल्टीप्लाई किया हमने SOR से, शेड्यूल ऑफ रेट, और इसको हम क्या कहते हैं, CSR भी कहते हैं, CSR मतलब करंट शेड्यूल ऑफ रेट, या तो करें कहेंगे हम SOR, शेड्यूल ऑफ रेट, या फिर हम कहेंगे CSR, करंट शेड्यूल ऑफ रेट। तो क्या कहलाता है SOR, SOR इज अ लिस्ट ऑफ रेट ऑफ वेरियस आइटम्स, मतलब SOR एक क्या होती है, एक बुक होती है मान लो PWD में या गवर्नमेंट की तरफ से आती है, जिसमें सारे आइटम्स के क्या होते हैं, रेट लिखे हुए रहते हैं। केवल हम आपको आइटम मतलब क्या, सीमेंट ब्रेक सैंड नहीं बता रहे हैं, इसमें आप लेबर भी लेंगे, लेबर की रेट भी क्या लेंगे, मतलब एक स्टैंडर्ड रेट उनके क्या है कि इतने रेट पे आपको काम करना है, वो शेड्यूल ऑफ रेट देंगे। मान लो आपकी भाव कितना भी सीमेंट का चल रहा है, उन्हें इससे मतलब नहीं है, कितना चल रहा है, मान लो 400 रुपए की एक बोरी चल रही है, 400 रुपए पर बैग चाहिए चल रही है, लेकिन शेड्यूल ऑफ रेट में कितना लिखा है, स्टैंडर्ड 500 लिखा है, या फिर क्या लिखा है, 300 लिखा है, तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। तो
आप चाहे जहां से कर लीजिएगा। तो शेड्यूल ऑफ रेट में सारे आइटम की क्या लिखी रहती है, क्या लिखी रहती है, अमाउंट लिखा रहता है, ठीक है, वैल्यू लिखी रहती है कि कितनी कौन से आइटम की क्या रेट है। तो SOR, SOR आपके हर जगह पूछा जाता है कि SOR क्या कहलाता है, तो SOR आपको याद रखना है, SOR मतलब होगा शेड्यूल ऑफ रेट, शेड्यूल ऑफ रेट, या फिर आप उसको क्या कह सकते हैं, करेंट शेड्यूल ऑफ रेट, करेंट शेड्यूल ऑफ रेट, CSR कह देते हैं हम, या तो आप उसको SOR कहते हैं या फिर आप उसको CSR कहते हैं, करंट शेड्यूल ऑफ रेट कह देते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि CSR क्या है, CSR एक लिस्ट ऑफ रेट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क है, जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल और डेली वेज ऑफ लेबर, डेली वेज एक शब्द आप हमेशा याद रखेंगे, डेली वेज, डेली वेजेस इसको लिख लो बिल्कुल, ये यूज होगा, डेली वेजेस मतलब होता है रोजंदारी, एक मजदूर की दिहाड़ी होती है रोजंदारी, कि एक दिन के कितने पैसे मिलने हैं, वो कहलाता है डेली वेज। तो जो आपका क्या होता है SOR होता है, वो क्या करता है, डेली वेज को भी कंसीडर करता है, ठीक है, डेली वेज को आपको वो कंसीडर करेगा। और ये डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क, मटेरियल और यहां तक कि रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी क्या करता है, कंसीडर करता है कि रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, मतलब आप कहां से कहां मटेरियल ले जाएंगे, तो पर किलोमीटर के हिसाब से उसका क्या रेट होगा, मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो पर्टिकुलर एक रेट दे देती है कि आपको इस रेट पे काम करना है, आप उस रेट पे काम करो, फिर आप चाहे ऊपर ले जाओ चाहे नीचे ले जाओ, फिर उसको मतलब नहीं देता है। तो हमने क्या किया, आइटम और आइटम की क्वांटिटी हमने निकाली कि कितना क्वांटिटी को हमें हमको काम होना है, वाइस सीमेंट में काम होना है। अब आप कहोगे सर हमको ये भी पता कैसे चला कि सीमेंट 100 बैग कहां से लगा, ये आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि हमको कैसे पता चलेगा कि सर ब्रेक 5000 कैसे लगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, रेट एनालिसिस करते हैं, जो आगे चल के हम आपको अभी बताएंगे। अभी हम आपको एस्टीमेट के बारे में बता रहे हैं कि एस्टीमेट मान लो हमारे पास आइटम है और आइटम की क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई, हमारे पास आइटम है और आइटम की क्वांटिटी आपके हमारे पास आ गई, तो हम क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, SOR, शेड्यूल ऑफ रेट से हम क्या लेंगे, रेट लेंगे, शेड्यूल ऑफ रेट से क्या लेंगे, रेट लेंगे। मान लो रेट कितना है, सीमेंट बैग आपके कितने चल रहे हैं, 400 रुपए पर बैग चल रहा है, क्या चल रहा है, 400 रुपए, हमने यहां पे लिख दिया वेट कितना 400 और ब्रेक कितना चल रहा है, मान लो 4 रुपए का, 4 रुपए का चल रहा है, 4 रुपीज का 4 लिख दो केवल, सेंड कितनी चल रही है, 1 मीटर क्यूब मान के चलो, हम ऐसा मान लेते कितनी की चल रही है, 100 की। अभी हमने किस में लिखा, केवल रेट लिखा, अब रेट किस में लिखेंगे, पर, इसके आगे पर क्या लगाएंगे, पर, PER पर, मतलब रेट 400 पर बैग, फिर ब्रेक्स 5000 मतलब 4 रुपए पर पीस, ठीक है, फिर सेंड कितना है 100 रुपए पर मीटर क्यूब, ठीक है, यहाँ पे आप रेट लिख लेंगे, रेट में यहाँ पे रुपीज लिख लेंगे, तो सब किस में है, रेट में है। तो ये आपने क्या किया, क्या किया आपने, ये आपने आइटम, क्वांटिटी, रेट और आपने पर कितने में है, ये आपने कर दिया। तो आपका शेड्यूल ऑफ रेट, जब भी आप आइटम्स की क्वांटिटीज को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है बिल ऑफ क्वांटिटी, क्या मिलता है, बिल ऑफ क्वांटिटी मतलब अमाउंट, क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। वो तो पूरी जो टेबल बनती है उसको हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। अब इसमें 2-3 चीजें और ऐड होना है, तो निकालो इसमें कितना कितना रेट आ रहा है, कितना कितना रेट आ रहा है इसमें, ये आया हमारा 40,000 और ये कितना आ जाएगा 20,000 और ये कितना आ जाएगा 5,000। अमाउंट किसमें है, सब रुपीज में, तो ये हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया,
बिल ऑफ क्वांटिटी बन गया। जब भी आप आइटम को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, भाई हंसी क्यों आ रही है आप लोगों को, ये हंसी वाली बात है क्या? पीछे ये हंसी वाली बात है तो बताओ, ये आइटम है, हमने आइटम्स की क्वांटिटी को जब मल्टीप्लीकेशन किया किससे, रेट से, रेट से मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। अब बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे बनती है, पूरी अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, बिल ऑफ क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी आपकी थी, जो क्वांटिटी निकली थी, इसके क्या आपने बना दिया, इसका बिल बना दिया है। अपन कहते हैं ना कि भाई इतना काम होने वाला तो बिल बताओ, तो ये पूरा पूरा आप जब बिल बनाएंगे तब जाके आप कहाँ जाएंगे, मार्केट में जाएंगे कि हमारे पास बिल है और इतना पैसा है, तो इसके हिसाब से हमको भाई खाने का सामान दे दो, या फिर क्या करना है, ये सामान हमको यूज करना है, लेना है। तो सबसे पहले बिल ऑफ क्वांटिटी में क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा आइटम नंबर, फिर आता है पर्टिकुलर आइटम, आइटम नंबर, पर्टिकुलर आइटम, क्वांटिटी, फिर उसकी यूनिट, फिर उसके रेट, रेट के बाद पर अमाउंट, इस तरीके से आपकी टेल बनती है। आप आइटम नंबर 1, 2, 3, 4 बहुत सारे दे सकते हैं। इस तरीके से आपकी क्या बनती है, ये बिल बनता है आपका, जो आपका एस्टीमेट का बिल बनता है वो कैसा बनता है, इस तरीके का बनता है, जिसमें आपका आइटम नंबर, आइटम नंबर 1, 2, 3, 4 पर्टिकुलर आइटम जो आपने आइटम लिखे वो लिख देंगे आप, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, फिर उसकी यूनिट, यूनिट क्या है, बैग है, नंबर सेंटीमीटर क्यूब है, फिर उसके रेट क्या है, फिर पर में क्या आएगा, फिर आपका अमाउंट आ जाएगा। ये पूरी चीज आपकी बनेगी तो आपका क्या कहलाएगा, आपका बिल ऑफ क्वांटिटी बन जाएगी। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हम क्या करेंगे, आइटम नंबर से क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी से हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, शेड्यूल ऑफ रेट का मल्टीप्लाई करेंगे, कि उसका रेट कितना है, वो शेड्यूल ऑफ रेट कहाँ से मिलता है हमको, पीडब्ल्यूडी से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, कि वहां पे कितना रेट आप पर्टिकुलर आइटम के लिए ले रहे हैं, क्योंकि भाई कॉन्ट्रेक्टर तो कुछ भी उल्टा सीधा लगा देगा, उसके बाद थोड़ी बन जाएगी, गवर्नमेंट कहेगी हमें तो इतना इतना का करना है, काम करना हो तो बताओ। गवर्नमेंट टेंडर कैसे देती है, पहले एस्टीमेट बनाती है, एस्टीमेट इसी तरीके से बनता है, एस्टीमेट इसी तरीके से बनता है कि भाई हमारे पास इतना है, इतना हमारे पास इतनी क्या होना है, क्वांटिटी लगना है, और इतना हमको क्या लगना है, इतने उसके रेट है, शेड्यूल ऑफ रेट से हम रेट लेते हैं, तो रेट लेने के बाद हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी से, तो हमारे पास अमाउंट आ जाता है, तो पूरा हमारा क्या कहलाता है, बिल ऑफ क्वांटिटी कहलाती है, ये आपकी होती है बिल ऑफ क्वांटिटी। यही हमको आगे चल के करना है, बिल ऑफ क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करना, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन है, बिल ऑफ क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितनी है, जैसे आपकी है 100 यूनिट में आप लोगों की बैग, क्या यूनिट है, 100 मतलब क्या, आपके नंबर लिख दोगे, नंबर ये क्या है, पर पीस मतलब क्या, मीटर क्यूब तो कहता मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्या पर्टिकुलर आइटम में ये आइटम हो, आइटम हो, आइटम नंबर हो, ये रेट लिख दोगे, फिर रेट भी कितने, जरूरी थोड़ी कि तुमने यहाँ पे 50 मीटर क्यूब के हिसाब से लिखा, मान लो तुमने किसके हिसाब से लिखा, 5000 नंबर लिखे, यहाँ पे वो क्या कहेगा, कितना कह देगा, मान लो 10 मीटर क्यूब कह देगा, यहाँ पे कितना कह देगा, 4 रुपए नहीं, वो कितने के हिसाब से कह देगा, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से पैसे दे देगा, फिर 1 मीटर क्यूब के कितने पैसे है, मान लो 1 मीटर क्यूब के उसने कह दिया कितने, 2000 रुपए है, कितने हैं, 2000 रुपए है, तो बाकी के मीटर क्यूब की आप निकाल लिए, ठीक है जी, एक एक मीटर क्यूब की उसने 2000 बोल दिए, मान लो ऐसा ना करके वो क्या कह देता, 2000 पर मीटर क्यूब, क्या कह देता कि 2000 रुपए है आपके पर मीटर क्यूब के, तो यहाँ पे तो आप क्या लिखते, पर्टिकुलर आइटम में ये लिख देते और इसका ये क्वांटिटी लिखते, यहाँ पे तो नंबर लिख देते,
रेट में आप क्या लिखते हैं, रेट में आप लिखते हैं 2000 रुपए है पर में क्या कितने के मीटर क्यूब की, तो 1 मीटर क्यूब के 2000 है, तो 5000 है, वो 5000 ब्रिक्स है 1 मीटर क्यूब में कितनी होती है 500 होती है, ठीक है, तो 5000 का आप क्या करेंगे 500 करेंगे, कितना जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा, तो 10 का इंटू आप यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 20000 हो जाएगा। बात समझ में आ रही पीछे के नहीं आ रही, नहीं आई क्या, नहीं आई, ये क्या है देखो, ये आपने निकाला कि 5000 नंबर आपको क्या लगने हैं ब्रेक्स आपको लगने हैं, ठीक है। अब लेकिन SOR ने शेड्यूल ऑफ रेट ने क्या दे दिया कि 1 मीटर क्यूब का रेट कितना है 2000 है, 1 मीटर क्यूब का रेट कितना है 2000 है और ब्रेक्स कितने हैं 5000 नंबर है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या हो गया, अब ये कहां से आएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स होते हैं, ठीक है, 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स होते हैं 1 मीटर क्यूब में, ठीक है, होते हैं, हाँ पर में ही यूनिट ही लिखेंगे ना, जैसे रेट है तो 400 रुपए है, लेकिन कितने का 400 रुपए है, आप दुकान में जाओगे, मेरी बात सुनो, और दुकान में जाके पूछोगे कि बिस्किट के क्या रेट है, तो क्या कहेगा, क्या कहेगा 5 रुपए, तो कहोगे सर कहेगा 5 रुपए एक सिंगल बिस्किट का, कि बिस्किट के पैकेट का, कि पूरे बंडल का, काय का, एक बिस्किट के पैकेट का है ना, इसी तरीके से एक बैग का कितना रुपए है 400 रुपए। हाँ लेबर भी ऐड होगा, वो तो पूरी चीज बता दी, आगे हम सब बताएंगे आपको, अभी हमने बताया कि बनता कैसा है, आपको आया समझ में कि नहीं आया, क्या हो गया, आया तो भाई बेटा क्या नाम तुम्हारा बोला ना, आ गया समझ में। अब आप देखिए 1 मीटर क्यूब में कितने हैं 500 ब्रेक होते हैं और ब्रेक्स कितने हमारे पास 5000 है, कितने हैं 5000 है, ब्रेक्स कितने हमारे पास 5000 है, 500 आपके पास है और आपको चाहिए कितने हैं 5000, 500 से आपने 10 का इंटू किया किया तब 5000 होंगे, तो यहाँ पे 1 का किससे इंटू हो जाएगा 10 का इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर क्यूब, मतलब क्या हो जाएंगे 5000 ब्रेक्स, तो आपका 1 मीटर क्यूब का कितना है 2000 है, तो 10 मीटर क्यूब का कितना हो जाएगा 20000 हो जाएगा, 10 मीटर क्यूब का कितना हो जाएगा 20000 हो जाएगा। अभी हम आगे आपको सब सिखाएंगे, आप लोग घबराओ नहीं, हम आपको केवल प्रोसेस बता रहे हैं कि प्रोसेस क्या होती है आइटम नंबर का, आइटम नंबर से हम क्वांटिटी लेते हैं, कितनी क्वांटिटी हमको यूज करना है, उस क्वांटिटी का हम मल्टीप्लीकेशन किससे कर देते हैं SOR से कर देते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट से हम क्या लेते हैं रेट लेते हैं, हमने रेट ले लिए, उन रेट से हमने इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास अमाउंट आ गया, और जो टेबल बनी, जो क्या बनी टेबल बनी, उस टेबल को हम क्या कहेंगे बिल ऑफ क्वांटिटी कह सकते हैं। तो आपके सामने ये टेबल है बिल ऑफ क्वांटिटी की, इसको आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए सभी को, बना लो इस टेबल को, बना लिया, आई बात समझ में, और किसी को कोई डाउट है, किसी को डाउट हो तो बताओ। ये एक प्रोसेस है जिससे होके अपन को गुजरना है और आगे चल के अपन को अपना काम करना है, कोई डाउट हो तो बता दो अभी, आया समझ सभी को। चलिए आइटम नंबर से क्वांटिटी ली, क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन शेड्यूल ऑफ रेट से रेट लिया और अमाउंट निकाल लिया, वही हमारा क्या कहलाया बिल ऑफ क्वांटिटी बन गई। वो तो अमाउंट को आप जोड़ दो तो टेबल आपकी जो बनी है वो टेबल आपकी बिल ऑफ क्वांटिटी है, अमाउंट को तो आप लास्ट में जोड़ोगे, और नहीं जोड़ रहा तो मत जोड़ो, वो तो एक पर्टिकुलर चीज का अमाउंट है भाई, जहां से आप सीमेंट लोगे वहां आपको ब्रेक थोड़ी मिलेगा, तो मिलेगा जहां से आप सीमेंट लेते हो वहां क्या सेंड मिलती है क्या, नहीं मिलती, तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको पर्टिकुलर आइटम का आपका क्या आ गया अमाउंट आ गया कि एक आइटम का इतने रुपए का फलाना आइटम लगना है। अब आप सोचो और टोटल करना है तो टोटल करने से ही आ जाएगा कि टोटल आपका पैसा कितना अब लगने वाला है, ठीक है, आई बात समझ में कि डाउट है कहीं पे। इसके बाद अब हम देखते हैं